ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ बाबा, आ रहा हूँ। पता है तुम सभी को बहुत भूख लगी है। आज हम सभी नदी के बाजू वाले मैदान में जाएंगे। हुर्र, है, है, है। चलो चलो, जल्दी करो। अरे लाड़ो, तुम्हें क्या हुआ? ओह, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लाड़ो? घबराओ मत, मैं अभी मालिक को जाकर बताता हूँ, फिर वो किसी वैद्य को बुलाकर तुम्हें दवाई दिला देंगे और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। मालिक, एक बकरी बीमार हो गई है। हुँ? क्या कहा, बकरी बीमार है? चलो जरा मैं भी तो देखूं। अरे ये बकरी तो बूढ़ी हो गई है, इस पर दवाई का खर्चा कौन करेगा? मैं तो इसे कल कसाई को बेचने की सोच रहा हूँ, थोड़े पैसे तो मिलेंगे मुझे। चलो अब तुम जाओ, बाकी बकरियों का ख्याल रखो, इसे मैं देखता हूँ। रो मत लाड़ो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। क्या हुआ गोपाल, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? ये लो। गोपाल, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, मालिक बहुत दुष्ट है, वो लाड़ो को कसाई को बेच रहा है क्योंकि वो पहले जैसे दूध नहीं देती और अब बूढ़ी हो गई है। बेटा, वो मालिक है और हम नौकर, भला हम उन्हें ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन माँ, मैंने लाड़ो से वादा किया है कि मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। गोपाल, उस बकरी पर उनका अधिकार है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। अब ये बचपना छोड़ो और चुपचाप खाना खाओ। नहीं लाड़ो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। गोपाल, क्या हुआ? शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है, उठ जाओ बेटा। माँ, वो लाड़ो को कल ले जाएंगे। माँ, वो उसे ले जाएंगे। ओ गोपाल, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? ठीक है, हम कल देख लेंगे, अब तुम सो जाओ। लेकिन मालती, तुम इस बूढ़ी और बीमार बकरी को आखिर क्यों खरीदना चाहती हो? इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान है। मैं बस अपने बच्चे की खुशी देखना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब यही तो एक मेरा सहारा है। ठीक है ठीक है, लेकिन तुम इस बकरी के पैसे कैसे चुकाओगी? हर महीने में थोड़े थोड़े पैसे मैं आपको दे दिया करूँगी, 2 साल में आपके पूरे पैसे अदा हो जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, ले जाओ उस बकरी को। ये, 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 ये। बेवकूफ कही के। लाड़ो, वैद्य जी ने इन हरे पत्तों को तुम्हें खिलाने के लिए कहा है, इनसे तुम जल्द ही अच्छी हो जाओगी। लो खाओ, लो खाओ ना। देखो ना माँ, ये पत्ते नहीं खा रही, तुम ही समझाओ इसे। अब क्या तुम दिन भर उसी के साथ गप्पे लड़ाते रहोगे? अभी तो उसे सिर्फ 1 हफ्ता हो रहा है, थोड़ा वक्त तो उसे, इतनी भी क्या जल्दी है? लाड़ो, ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। लाड़ो, माँ समझाओ ना इसे। तुम दोनों भी पागल हो। अरे सुनो गोपाल, तुम्हारी बकरी कैसी है? अब तो 1 साल हो गया। बिल्कुल तंदुरुस्त है मालिक, अब तो उसने 2 बच्चे भी दिए हैं। और पता है मालिक, वो हमें इतना दूध देती है जो कभी खत्म ही नहीं होता, मानो जैसे वो कोई जादुई बकरी है। लगता है मैंने उस बकरी को बेचकर गलती कर दी है, 2 बच्चे और दूध, कमाल है, मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज सुबह मालिक आए थे, वो कल सुबह तक पूरा कर्जा चुकाने की मांग कर रहे हैं।
नहीं तो वो लाडो को और उसके दो बच्चों को उनके साथ ले जाएंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते, हम उनका पैसा चुका देंगे। हमने उनसे 2 साल की मोहलत ली है। कुछ भी हो, मैं उन्हें लाड़ो को नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन इतने सारे पैसे हम एक ही दिन में कहाँ से लाएंगे बेटा? वो तुम्हें कल ले जाएंगे लाड़ो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें उनसे छुड़ा पाए। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। हैं? कि क्या हुआ लाड़ो? तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो लाड़ो? बहुत रात हो गई है लाड़ो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, माँ गुस्सा हो जाएगी। हैं? ठहरो, मैं मदद करता हूँ। सोने के सिक्के? अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओ लाड़ो, तुम सच में एक जादुई बकरी हो। अरे सुना है गोपाल की माँ ने मदन दास का पूरा कर्जा चुका दिया? हाँ ठीक ही तो सुना है, जब से वो बकरी उनके पास आई है मानो जैसे उनकी तरक्की ही होती जा रही है। लोग तो बोल रहे हैं कि वो एक जादुई बकरी है। हाँ होगी ही, वरना इतनी जल्दी भला उनकी तरक्की कैसे होती। लगता है मदन दास ने वो बकरी बेचकर बड़ी गलती कर दी है। हाँ हाँ सही कहा, बड़ा ही बेवकूफ है वो तो। जादुई बकरी, अब कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सच में तुम कोई जादुई बकरी हो? अगर ऐसा है तो मेरी भी तकदीर पलट दो, मुझे भी उस गोपाल की तरह अमीर बनाओ, वरना मैं तुम्हें उस कसाई को बेच दूंगा। अरे ये क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही हो मुझे?